भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर जल्द ही शादी करने वाले हैं। 27 फरवरी को शार्दुल ठाकुर अपनी मंगेतर मिताली पारुलकर के साथ सात फेरे लेंगे। कपल की शादी की रस्में अब शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां शार्दुल को हल्दी लग चुकी है, तो वहीं मिताली के हाथों पे भी शार्दुल के नाम की मेहंदी रच चुकी है। शार्दुल ठाकुर की हल्दी सेरेमनी से कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। शार्दुल ठाकुर ने पिछले साल मिताली के साथ सगाई की थी और इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही टेस्ट सीरीज का भी हिस्सा नहीं है। शार्दुल अब सीधे आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। दरअसल वो इस वक्त अपनी शादी में बिजी चल रहे हैं। आज शार्दुल और पारुल की हल्दी सेरेमनी हुई। इस दौरान शार्दुल येलो रंग का कुर्ता पहने हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही उनके परिवार वाले रस्में निभाते हुए नजर आए। मिताली की मेहंदी सेरेमनी के दो वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वो हाथों पर मेहंदी लगवाते हुए नजर आ रही हैं। इस दौरान वो भी येलो रंग का सूट पहने हुए नजर आई। शार्दुल और मिताली ने नवंबर 2021 में सगाई की थी। उस दौरान दोनों की कुछ लवी डवी पिक्चर सामने आई थी, साथ ही एंगेजमेंट का डांस वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। सुनने में तो यह आया था कि T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद ही दोनों शादी कर लेंगी, लेकिन किसी कारण से उनकी शादी टल गई थी और अब 27 फरवरी 2023 को कपल शादी करेंगे। लगता है इस समय भारतीय टीम के खिलाड़ियों में शादी का सीजन चल रहा है। पहले केएल राहुल ने अथिया शेट्टी से शादी की, उसके बाद ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अपनी दोस्त मेहा पटेल से ब्याह रचाया और अब शार्दुल दूल्हा बनने वाले हैं। शार्दुल के करियर की बात करें तो उन्होंने अगस्त 2017 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। वो अब तक भारत के लिए 8 टेस्ट, 34 वनडे और 25 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। इस वक्त शार्दुल काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। शार्दुल और मिताली की शादी से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।